सुबह से हमारा मतलब क्या हुआ कि कल नाइट को हम लोग लेट से सोए थे क्योंकि कल वीडियो बनाए जो कि आप लोग इंस्टाग्राम का या हमारे इसी चैनल पे आप लोग वीडियो देख सकते हैं शॉर्ट्स वाले चैनल पे। तो वहाँ से हमने वीडियो मतलब बनाते बनाते करीबन रात के करीबन 2 बज गए। तो लेट से सो के उठा, सुबह लेट हो गई, खाना वाना बना, खाए पिए, अभी हम लोग थोड़ा सा फ्री हुए तो अभी जा रहे हैं गाँव क्योंकि दीदी कल निकलने वाली है गाँव, मतलब ससुराल अब निकल जाएगी। तो मैंने बोला कि उन्हें चलो लास्ट टाइम दीदी को ले चलते हैं, पापा लोग से सबसे मिलवा लेते हैं। उतना दिन से आई है, पापा और भाई से थोड़ी बहुत मिले हैं, छोटा भाई से, और बाकी हमारे पास ही थे, हमारे ही ख्याल रखने के लिए हमारे साथ ही थे। तो इसीलिए हम बोले कि चलो लास्ट टाइम पापा से मिल लेते हैं। तो दीदी शायद सो रेडी हो चुकी है, शायद दीदी और मैं जा रहा हूँ, हो सके दीदी भी जाएंगे, सारे लोग रेडी हो चुके हैं। दीदी रेडी हो गया? अनुष्का क्या बोला, घर में उसको छोड़ देंगे? हाँ। ले जाए। चलो दीदी इधर से रेडी, अभी चलते हैं हम लोग गांव, और गांव में जाके पापा लोग से सबसे भेंट कर लेते हैं, भाई का भी हाल चाल पूछ लेते हैं। अभी इधर मतलब मैं खुद अभी तबीयत ठीक से उतना नहीं हुआ था कि मैं बादल को ले जा सकूँ, थोड़ा सा कल दिक्कत हुआ था, अभी घर जाने के बाद ही पता था क्या दिक्कत हुई क्या नहीं। अभी जाके भाई का शुगर भी चेक कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं जब भी होगा फिर भाई को भी डॉक्टर को दिखाने लेके जाना है हमें। चल आधा समय तो हमारा यही घर आना जाना करके ही पार हो जाती है, ना किसी से ठीक से मिल पाते हैं ना कुछ। आके हैप्पी के पास आके बैठ गए। बाबा रे कितना देर तक तुमको छोड़ दिया थे रे मेरे हैप्पी। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ मेरे हैप्पी की छोड़ के इसको अंधेरे में बांध दिया, कौन अकेले छोड़ दिया है? है कोई नहीं था शायद घर में क्या? यहाँ से आए सबसे पहले यही लिपटे भी, उसके बाद कोई खो रहे? रुको रुको खोल रहे हैं। दीदी यार क्या रे खाना परोस रही है? अरे मक्का से सब तो खत्म हो कर दिया क्या ही? नहीं शायद खत्म हो गया है दीदी। वही से फोकला फोकला बादल का कल कहाँ था? रात को 3 बजे उसके आया ठकठका राम ने कहा नहीं। ए अबे लो अबे खोलो खोलो दरवाजा खोलो राम बोले चल ठीक है खोलते हैं। बोला हमको चीनी घोल के दो, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, घाम गया था पूरा एकदम। चीनी घोल के दो मतलब शुगर लेवल तो उसका पूरा डाउन पड़ जाता, तभी ऐसे होता है उसके साथ। हाँ तब उसको और दवाई खाने मना किए थे ना? देखिए बोला फिर दवाई खाने उसको कौन बोला? नहीं बोला दवा खाने, वो खुद ही खा लिया था। वो बोला शायद बैटरी तो खराब है इसीलिए दिख रहा है जीरो। नहीं उसको अभी नहीं खाना है, कुछ दिन अभी नहीं खाए, डॉक्टर को दिखा लेंगे उसके बाद खाएगा वो। तब उसको शरबत बना के दिया जितना, अभी उसको बोले शरबत बना के दूध दिया इसको? नहीं दिए, बोले अभी ठीक है तो अभी दे, अभी नहीं दो थोड़ा उसको ठीक है, नहीं है उसका शुगर लेवल अभी भी कम ही है। कि तू वहाँ दीदी खाना खाएगी वहाँ पर कहाँ रहती है? चल ऐसे पड़े रहो ऐसे ही लग हो गया वो तो खाना नहीं खाया कोनो। उसको लेटे रहने दो, हम जा रहे तब देखा ना हम जा रहे हैं। ये मीटर लिए फिर से हम लोग अभी चेक कर लेते हैं भाई का शुगर, कल को रात को अचानक से डाउन पड़ गया 2 बजे के टाइम रात के, और तीन बज रहा था ना, ढाई बजे से स्टार्ट हुआ था, ढाई बजे से तेल वेल पूरा देना पड़ा था, तो फिर चीनी घोल के दिए तभी जाके थोड़ा ठीक हुआ था। तो शुगर अभी इनका जान रहा है डाउन ही चल रहा है, हाई था पहले तो हाई रहता था अभी डाउन पड़ गया, इसीलिए अभी और एक बार चेक करवा लेते हैं। अभी दीदी आई है तो अभी इधर ही देखना पड़ रहा है, अपनी का आपकी देखना पड़ रहा है, डॉक्टर का नहीं ले जा पाए तभी ये चेक कर लेते हैं। अगर डाउन पड़े तो खून का है ना बोले शरीर उठाव दिक्कत है, कम है गलो उठाव दिक्कत है, ज्यादा है जाता दिक्कत, मतलब लेवल में रहना, लेवल में होना चाहिए। लो ही बता रहा चीनी को ले, चीनी को ले बोले तेरे संदे दांत लगते खाली देखने में। चलो वो चीनी को खिला दे। चीनी देने से क्या होता है मामू? चीनी जब लो पी जाते। चीनी देने से क्या होता है बोलिए ना? चीनी देने से ये होता है जब शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो कम हो जाते हैं ना, तो चीनी देने से वो मेंटेन में आता है। अच्छा तो मतलब ज्यादा हो गया तो? ज्यादा हो गया तो चीनी तो एकदम भूल के भी सारा डाल नहीं, उस टाइम वो जहर के समान होता है। मतलब कम हो जाने से मतलब मतलब चीनी देने से मतलब ठीक हो जाता है, कम होने से वो लेवल पे आ जाएगा। अभी पूछा जा रहा है इन लोग से टीचर डे में कितना मांगा गया होगा? ग्रुप में ना, ग्रुप में मिलके खरीदोगे ना, और आपका बेटा कितना मांगा गया? आपको कितना मांगा गया स्कूल में? हाँ 50। आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो ना? हाँ।
₹50 ₹50 करके अब क्या करेगा लोग आप लोग क्या क्या आप लोग प्लान क्या बनाए हो केक लाएंगे तो ₹50 में तो तीन बच्चा में केक हो जाएगा बाबू ₹150 केक लेता है ₹150 फोन बुलाओ तो सामान वगैरह लेना हो चुका है और भाई भाई सुनो कल का आएंगे और कल जाके वो दीदी को वहाँ छोड़ने के बाद और जाके तुमको उसके बाद हॉस्पिटल ले जाएंगे ठीक है। खाना ऐसे खा लेना भूखे मत रहना और दवाई ठो अभी नहीं खाना ध्यान रखना हाँ ऐसा कुछ भी चीज़ मत खा जिससे शुगर कम होगा क्योंकि शुगर तुम्हारा ऐसे कम है। और वो जो मिठाई ला दिया मिठाई दिया तू खा लेना नहीं तो क्या करेगा शुगर तभी कम है नहीं तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा तभी जगह तो दोस्तों अभी लास्ट हम लोग आए थे कुछ कुछ सामान था दीदी का भी लेना था तो वो ले लिए और उसके बाद अभी जाना है हम लोग घर घर यहाँ से धनबाद मतलब रूम निकलेंगे। सिल्वर प्ले बटन ले लेबे अभी घर ही नहीं है तो उसको लेके खा देती ला देना जब मेरा घर बन जाएगा तो एक माँ का फोटो बांध के ठीक है। गोल्डन बटन आया दीदी दीदी का भी कहाँ है एक मिलियन होगा तब ना रे पगला तुम अच्छा रहो मेरा गोल्डन प्ले बटन भी आ जाएगा वो 1 मिलियन होगा दीदी का तब ना दीदी का भी 5.5 लाख सब्सक्राइबर अभी दीदी जस्ट एक वीडियो बना देते रील्स और बनाते बनाते पूरा रोने लगी अब क्या बोला चलो ना। तो दोस्तों अभी हम लोग घर से निकल गए हैं बैठे हुए हैं और अभी दीदी कॉल की कि खाने के लिए क्या बना दे क्योंकि दीदी और अंजलि वही है और दीदी को अंजलि को ज्यादा हम लोग इधर उधर नहीं लेके जाते हैं और अंजलि के लिए खास करके सरस्वती दीदी वहां पर रहती है तबीयत तो उनका अप डाउन ही चल रहा है उनका तो आज मेरा लास्ट था आज का दिन बहुत इमोशनल हो गई बार बार वो चीज़ अच्छा नहीं लगता दिखाना आप लोग भी बोलिएगा सावित्री दीदी तो ऐसी ही है एक बेटी को पूछिएगा जब मायके से हो जाती है तो क्या बोलूँ तो फिलहाल आज का दिन मेरा मायके में लास्ट था अभी तो मैं धनबाद जा रही हूँ धनबाद में रहूँगी सुबह मेरी ट्रेन है सुबह 10 बजे ट्रेन है तो 9 बजे निकलना पड़ेगा इसीलिए रात को ही वेट कर लिए आए थे हम लोग शाम को अभी रात को जा रहे हैं 9 बजे जाके खाना वाना खाएंगे पैकिंग वैकिंग अभी करना है भर लेंगे और उसके बाद सुबह जो मिले थोड़ा थोड़ी खा के निकल जाएं। इधर से हमारे गणेश जी भी सोच रहे हैं कि बेटी की विदाई बहुत खतरनाक होती है ना सही ये दर्द सबको होना चाहिए सबके घर में एक बेटी जरूर होना चाहिए है ना ये तो बेटी का ये नहीं समझ पाएंगे और बेटी का सम्मान भी सही ढंग से तभी करेंगे हाँ सही बोले घर तो आ गए लाइनें अंधेरा में बैठ के खा रहे ये पापा जी अच्छा हो कुछ कांड हो जाए कहाँ रख दे रहे अरे बेड ये क्या नहीं बोले बेड ये तो नहीं उसमें भी आपका कपड़ा सर पहनी है अरे अरे मतलब अभी छोड़ दे ऐसे कल घर जाएंगे ना फिर लेते आऊंगा तो ये कपड़ा सब अंजलि का था तो बोल रही 2-3 ही कपड़ा था और कुछ है ही नहीं इसीलिए उनका सब ले आए अभी कल फिर जाएंगे ना इधर भाई को तो दीदी लोग को छोड़ देंगे उसके बाद घर जाएंगे भाई को लेके जाने के डॉक्टर के लिए तब और बाकी कपड़ा ले आएंगे अभी बना क्या रहे फिलहाल अच्छा तो दिख रहा है अब स्वाद बेहतर रहेगा पता नहीं दिन का खाने से स्वाद था अच्छा था लाइट कब बनी लाइट कब बना कब से जब आप लोग गए हुए तभी से तेरा बताइए हम लोग अभी 4-5 बजे गए 5-6-7-8-9 4-4.5 घंटा हो गया यहाँ पर सबका इनवाइटेड है सब यहाँ पर अच्छे अच्छे घर से है कि नहीं एक हम लोग हैं नहीं अभी थोड़ा देर ना इनवाइटर ऊपर वाला अंकल था ना वो बोला कि चालू कर दीजिए अंधेरा में सब रहेगा तो वो चालू कर दिया गाड़ी पता नहीं कोई बोल दिया बड़ा करने से बंद कर दिया अरे भूख के मारे बेचारी हालत खराब था खाने शुरू कर दिए थे जीजा जी भी लग गए और हद दोनों दीदी हद नीचे बैठ के अब तो सलाद ले लिए खाए मुझे सलाद का मजा ले लेते नूनी हो रही मेरे साथ खा मुझे ठीक है चलो खाते ओ बाबा रे
कल तो चली जाएगी मौसी, फिर क्या कीजिएगा? बाय बाय सर। दोस्तों हम लोग अभी लाइन तो आया ही नहीं, अभी इन्वर्टर ही चालू कर दिया फिर भी लास्ट में। अभी अब चलो हम लोग अभी खाना खा लेते हैं, फिर सुबह का अभी देखा जाएगा क्या होती है सुबह, क्योंकि थोड़ा बहुत सुबह का नाश्ता कर लगे। 30 मिनट के लिए इन्वर्टर लगा दिया है, इसलिए जल्दी खा ही रहे तो जल्दी से दोस्तों खा लेते हैं और आज का वीडियो यही करते हैं। अभी देखा जाए, अब कल का ब्लॉग लास्ट जो कि दीदी के साथ रहेगी, दीदी कल जाएंगे छोड़ने के लिए, क्योंकि दीदी आज रात का मतलब रात वाला खाना अभी तो लास्ट ही है, दीदी के साथ है। हाँ, उसके बाद अब जब आएगी तब होगा। आई क्या लेके आया रे, ये क्या बोलते हैं मखाना, क्या पता रे बाबा, खाना एक साथ खा रही हूँ, खाना पूरे खानदान में जो भी आज खाएगा पहली बार। खानदान मतलब हम लोग में से, हम लोग का परिवार, हम लोग देखो क्या है, फैमिली भी है खानदान भी है, ये क्या बोलते हैं, एक नहीं सकाल एक नहीं सुबह, क्या एक नहीं होता है, जहाँ सांझ वहीं भी है। तो चलो दोस्तों खा लेते हैं और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।